नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आजकल जमकर बरस रहे हैं, गरज रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। गुजरात के खेड़ा में भाषण दिया, लेकिन उससे पहले जो ट्वीट करके कहा उसको लेकर बवाल छिड़ गया। राहुल गांधी ने पूछा कि जय शहजादा खा गया, आप चौकीदार थे या भागीदार? नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं, मैं पहला शब्द बोलूंगा, आप बाकी बोलना। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब देखिए, अमित शाह के बेटे की कंपनी 50,000 रुपए से जाकर 80 करोड़ की बनती है। यहाँ पे गुजरात के लोग व्यापार करते हैं, व्यापार को समझते हैं। यहाँ कोई है व्यापारी जिसने 3-4 हो ना? भैया बताओ, आपने 3-4 महीने में 50,000 रुपए से 80 करोड़ बनाए कभी? तो वही व्यक्ति जिसने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अच्छा दूसरी भी बात बोली थी, मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं। कहां गया वो चौकीदार? कहां भाग गया चौकीदार? मेरे शब्द नहीं है भैया, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। मैं सिर्फ उनके शब्द दोहरा रहा हूं। मेक इन इंडिया भी उनका, स्टार्टअप इंडिया भी उनका, चौकीदारी भी उनका, ना खाऊंगा खाने दूंगा भी उनका, मेरा नहीं। ये गुजरात की सच्चाई। दरअसल एक वेबसाइट पर अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी के टर्नओवर को लेकर ये पूरा बवाल छिड़ा हुआ है, और उस बवाल में कांग्रेस पार्टी बार बार पूछ रही है कि आखिर वो कौन सा हुनर है कि एक ही साल में किसी कंपनी का टर्नओवर 16,000 गुना बढ़ जाए। बीजेपी जवाब दे रही है। ना कोई बड़ा टर्नओवर था ना कोई बड़ा नुकसान था, तो 18,000 रुपए कमा के 50,000 के टर्नओवर से अगले बरस एकदम से 80,50,00,000 का टर्नओवर। जरूरी बात समझने की यह है कि जो कोशिश की गई झूठे आरोपों के और झूठे आंकड़ों देके बताने की कि जैसे कोई बड़ा इनकम बढ़ गई है, वास्तविकता यह है कि कमोडिटी ट्रेडिंग में टर्नओवर ज्यादा होने के कारण 80 करोड़ का टर्नओवर जरूर हुआ, और नया बिजनेस था तो स्वाभाविक है पहले साल में टर्नओवर होगा ही, लेकिन उसमें भी 1.5 करोड़ का नुकसान होने के कारण पहले ही वर्ष में जय शाह जी ने एक वर्ष पहले ही अक्टूबर 2016 में इस कमोडिटी ट्रेडिंग के बिजनेस को ही बंद कर दिया। 16,000 गुना टर्नओवर बढ़ना उद्योग जगत के इतिहास में पहला ही कोई कंपनी होगी भारत में, और इसकी जानकारी मिलनी चाहिए कि कैसे और ऐसे प्रतिभाशाली उद्यमी हैं जो उद्योग जगत में हैं, कारोबार जगत में हैं, जो एक साल के अंदर 16,000 गुना आमदनी बढ़ा ले। और ये जो 16,000 गुना बताने की कोशिश की गई, ये इसको सिर्फ सनसनी बनाने की कोशिश की गई है। जैसा मैंने कहा, कमोडिटी ट्रेड में बड़ा टर्नओवर होता है, हर ट्रांजैक्शन का बड़ा टर्नओवर होता है। देश में लोग संघर्ष कर रहे हैं, स्टार्टअप्स में संघर्ष कर रहे हैं, कर्जे नहीं मिल रहे, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। अगर इतनी योग्यता घर के अंदर है भारतीय जनता पार्टी जी के, तो कृपा करके ये बिजनेस मॉडल भारत के नौजवान जो एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी हैं, उनको जरा बता दें। किसी भी प्रकार का ओवरड्यू या डिफॉल्ट जय शाह की कोई भी कंपनी या व्यापार में नहीं है, और हमारे नेता और हमारे परिवार ईमानदारी का काम और मेहनत करके घर चलाते हैं। सियासी पारा चढ़ गया है इस खबर के बाद, लेकिन इधर प्रदूषण बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि अगर आपको पटाखों का शौक है तो दिवाली पर आपके लिए बुरी खबर, लेकिन पर्यावरणविदों के लिए और जो समझते हैं कि पर्यावरण साफ रहे उनके लिए अच्छी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है पटाखों पर।
दुर्गा छाप पटाखे पैटों में बंद रह जाएंगे। कैटरीना छाप पटाखे लड़ियां अब माचिस की तीली को तरस जाएंगी। खाली बोतलें तो होंगी लेकिन उसमें से छूटने वाले रॉकेट बम नहीं होंगे। दिवाली पर कोई हथगोला नहीं फूटेगा। दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट का नया फरमान आ गया है जिसके मुताबिक दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर 1 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी है। यानी दिल्ली एनसीआर में इस बार दिवाली से पहले और दिवाली के करीब 10 दिन बाद तक पटाखों की बिक्री नहीं हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि पिछले साल का जो बैन था वो दिवाली के बाद था। दिल्ली के ऊपर पटाखे के असर बहुत बुरे था तो इसीलिए पिछले साल वो बैन दिया गया था। इन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि हम देखना चाहते हैं कि अगर बैन हम कंटिन्यू करेंगे और दिल्ली एनसीआर में फायर क्रैकर्स भेजना बिल्कुल मना है, उस हमारे दिल्ली की हवा के ऊपर ये क्या असर पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि उनका पिछले साल का बैन का ऑर्डर है वो 31 अक्टूबर 2017 तक चलेगा और जो मॉडिफिकेशन ऑर्डर है वो 1 नवंबर 2017 से इफेक्ट में आएगा। और आज उन्होंने कहा कि आप जो से नो टू फायर क्रैकर बोलते हो उसको हम अपहोल्ड करते हैं। इससे क्या मतलब हुआ कि इसका जो पटाखे हैं, फायर क्रैकर्स हैं, एटम बॉम्ब्स, स्पार्कलर्स, फूलझड़ियाँ, अनार, इस तरह की सब चीज़ें जो गोडाउन में बंद पड़ी हैं वो बंद रहेंगी। सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट ये बिल्कुल बैन कर दिया है। जो लाइसेंसेज हैं परमानेंट शॉप्स के वो सस्पेंड कर दिए हैं। जो टेम्प्रेरी लाइसेंसेज हैं उनको भी बंद कर दिया है। दिवाली के मौके पर पटाखों के चलते होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गौरी राव ने याचिका दाखिल की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट में एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया। कि हम दिल्ली वालों ने मिलके हमने ये जिद लगानी है कि हमारी हवा, हमारे लिए हमारी सेहत वो थोड़े से मजे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि थोड़े से मजे के लिए हम अपने वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमें स्वच्छ भारत में रहना है, हमें भारत को बहुत ऊंची ऊंची जगह तक ले जाना है और उसके लिए थोड़ी सी तकलीफ होगी हमें इस दिवाली पर। हम सबको मिलके एक साथ दिवाली मनानी है, खुशी की दिवाली मनानी है और किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए उसके। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पाबंदी के फैसले से देश भर से मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और लेखक चेतन भगत ने ट्वीट करके सवाल उठाए। बच्चों के लिए पटाखों के बिना कैसे दिवाली? क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि सभी हिंदू पर्व त्योहारों के साथ ही ऐसा क्यों? क्या जल्द ही बकरे की बलि मुहर्रम के खून खराबे पर पाबंदी लगेगी? नियमित कीजिए, पाबंदी मत लगाइए, परंपरा का सम्मान कीजिए। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राहत की सांस ली है। क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी लोगों से दिवाली पर पटाखे न चलाने की अपील की है कि इस दिवाली पटाखे मत जलाइए प्लीज। हमारे बच्चों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, फॉर द सेक ऑफ एवरीवन, जफियां डालो, मिठाइयां खाओ, पत्ते खेलो, लेकिन यार पटाखे प्लीज मत जलाओ। ये सच है कि पटाखों के हर धमाके के साथ पर्यावरण का दिल दहलता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को देखते हुए पटाखों पर पाबंदी लगाई है। लेकिन ये पाबंदी पटाखा व्यापारियों के लिए काली दिवाली का पैगाम लेकर आया है। तो वहीं पटाखेबाजी को आस्था और परंपरा से जोड़कर देखने वाले भी इस फैसले से खुश नहीं है। रोशनी ठोकने के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। दिलचस्प होगा देखना कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बच्चों पर क्या असर है, हर किसी पर। लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे कि पटाखों की बिक्री पर पाबंदी के फैसले से कारोबारियों का क्या होगा, उनके लिए अब ये रिपोर्ट देखना जरूरी है क्योंकि उन्हें लग रहा था जीएसटी से जो मार पड़ी है उससे शायद थोड़ी सी राहत मिल जाए दिवाली में, लेकिन ये तो उल्टा ही पड़ रहा है। पहले आप बहन ना डाते, मैं लड़ी बेच लेता। हम लोगों ने तो मिट्टी का तेल मंगा लिया है, यही डाल के आग लगा लेंगे। पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के बदलते फैसलों के बीच व्यापारी चकर घिन्नी हो गए हैं। अभी करीब महीने भर पहले 12 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बिक्री से रोक हटा ली थी,
फिर आज रोक के आदेश जारी कर दिए। पटाखा व्यापारियों का तो दिल डूबने लगा है। देखिए ये आदेश इतना घातक है, इसको सहन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पटाखा व्यापार में करोड़ों लाखों लोग इसमें सम्मिलित हैं। अगर दिल्ली पुलिस ने इंस्पेक्ट करने के बाद में हमें लाइसेंस इशू कर दिया, और लाइसेंस इशू करने के बाद में आज चार दिन बाद जब हमने पटाखों से अपनी दुकानें भर ली हैं, हमने जो पैसा इन्वेस्ट करना था वो कर दिया है, उसके बाद अभी आदेश आ रहा है कि आपके लाइसेंस वापस लिए जाएंगे, उसके बाद हम इस पटाखे को कैसे करें, क्या करें, जो हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया उसका क्या किया जाए। पहले तो उम्मीद दिला दी गई कि ठीक है आप ये काम कर सकते हो, अब उसके बाद दूसरा आदेश आता है कि ये काम नहीं कर सकते। इसके बीच में जो कारोबारियों ने जो सामान खरीद लिया है या जो अपना इंतज़ाम किया है जिस तरह से भी किया है, उनके लिए तो बहुत दिक्कत आएगी। वो सामान का करेंगे क्या? पॉल्यूशन तो हमेशा होता रहा है, ठीक है हम समझते हैं, लेकिन सिर्फ कारण यही तो नहीं ना हो सकता, और भी बहुत सारे कारण है। दिवाली से पहले थोड़े सस्ते में पटाखे खरीदने वाले खरीदारों से बाजार में रौनक चल रही थी। यह खरीदार भी अपनी मिली जुली प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। मैम बच्चों की खुशी के लिए थोड़े बहुत तो जलाने ही पड़ते हैं ना। ज्यादा आप ज्यादा पोल्यूटेड वाले मत चलाइए, ज्यादा आवाज वाले मत चलाइए, पर छोटे छोटे पटाखे हैं जो हाथ से फेंकने वाले हैं या बिल्कुल छोटे जो बच्चों के लिए भी हार्मफुल नहीं है वो तो आप चला सकते हो, तो हम चलाते हैं, हर साल चलाते हैं, वही चलाते हैं। जलाना चाहते हो और थोड़े बहुत, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और छोटे छोटे जलाने चाहिए, ज्यादा जलाने नहीं चाहिए। पटाखा व्यापारियों की समस्या ये है कि दिवाली करीब देखते हुए उन्होंने आतिशबाजी का पूरा साजो सामान इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अगर इनकी बिक्री रुक गई तो उनका दिवाला पिट जाएगा। आप ये देखिए एक दुकान पर एटलीस्ट 10 बंदों की लिवलीहुड होती है, रोजी रोटी निर्भर करती है। यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, इनकी मेरी फैमिली होगी, इनकी फैमिली होगी, 10-12 लड़के काम करते हैं, तो 15 फैमिली अफेक्टेड देर भाई, और उसके अलावा और पता नहीं कितने मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम, तो दिस इज रिडिकुलस थिंग। तो सरकार बताए क्या करें इसका, हम कहाँ ले जाएंगे इसको, हम क्या कर सकते हैं, कहाँ रखेंगे, क्या इसका हमारे यूटिलाइज क्या होगा, त्यौहार खत्म हो जाएगा हमारा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई है, पटाखे फोड़ने पर नहीं। दिल्ली के व्यापारी संगठनों का कहना है कि लोग दिल्ली NCR से बाहर से लाकर यहाँ पटाखे फोड़ेंगे और दिल्ली के व्यापारी तबाह हो जाएंगे। व्यापारी संगठनों ने सरकार से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की अपील की है। रोशनी ठोकने और शुभम गुप्ता के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। अब बात हनीप्रीत की होगी, पुलिस रिमांड में ये उसकी आखिरी रात है, तो क्या आज सब कुछ बता देगी, क्योंकि अभी तक तो बात बात पर उसकी याददाश्त ठीक हो रही है। पुलिस रिमांड बढ़ाने की बात कल करेगी, तो ऐसे में जेल या फिर बेल। राम रहीम और हनीप्रीत के ठाठ बाट, शानो शौकत, ऐशो आराम, सबकी हवा निकल चुकी है। दूध बादाम का नाश्ता करने वाले हनीप्रीत और बाबा, लजीज और उम्दा खाना खाने वाले हनीप्रीत और बाबा, मखमली बिस्तरों पर थकान मिटाने वाले हनीप्रीत और राम रहीम अब कानून की कैद में जमीन नाम के कड़क बिस्तर पर रातें गुजार रहे हैं। राम रहीम 1.25 महीने से जेल में है और हनीप्रीत पिछले 6 दिनों से हवालात में। बाबा को तो उसके कुकर्मों की सजा मिल गई है, लेकिन हनीप्रीत से पुलिस अभी तक सच उगलवाने की कोशिश ही कर रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि 6 दिन की पुलिस रिमांड में हनीप्रीत पर कौन कौन से बड़े खुलासे हुए हैं। उससे पहले आपको दिखाते हैं हवालात में कैसे पिछले 5 दिनों में हनीप्रीत की हालत खराब हो गई। पंचकुला के चंडी मंदिर पुलिस स्टेशन के 10/14 की कोठरी में हनीप्रीत को रात गुजारनी पड़ रही है। उसे सिर्फ एक कंबल दिया गया है, वो चाहे तो उसे ओढ़ ले या फिर बिछा ले। हवालात में पंखा भी नहीं है। बाबा के साथ अय्याशी के महल में रहने वाली हनीप्रीत चॉकलेट और कॉफी की शौकीन रही है, लेकिन यहाँ उसे सुबह 7:30 बजे एक चाय के अलावा कुछ भी पीने के लिए नहीं दिया जा रहा। रात के खाने में उसे 3 रोटी और दाल दी जाती है। हनीप्रीत कई बार कॉफी की डिमांड कर चुकी है, लेकिन उसे कॉफी नहीं दी गई। हनीप्रीत ने पेस्ट और टूथब्रश मंगवाया था। हनीप्रीत ने 4 दिनों में 4 बार कपड़े बदले हैं। आज हवालात में हनीप्रीत की आखिरी रात है। मंगलवार यानी 10 अक्टूबर को हनीप्रीत की पुलिस रिमांड पूरी हो रही है। अब कोर्ट हनीप्रीत पर आगे क्या फैसला सुनाती है, पुलिस हनीप्रीत के खिलाफ कौन कौन से सबूत पेश करती है, ये सब कुछ 10 अक्टूबर को क्लियर हो जाए। लेकिन अब पुलिस हनीप्रीत पर आखिरी दांव आजमा रही है।
25 अगस्त को राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने हनीप्रीत और उसके ड्राइवर राकेश कुमार को आमने सामने बिठाकर 5 घंटे तक कड़ी पूछताछ की। जब हनीप्रीत ने बेचैनी की शिकायत की तब जाकर एसआईटी ने पूछताछ बंद की। इसके बाद हनीप्रीत को अज्ञात जगह पर ले जाया गया। हम आपको बता दें कि शनिवार को ही राकेश कुमार को अदालत में पेश किया गया था जहां उसकी पुलिस रिमांड 2 दिन और बढ़ा दी गई। सूत्रों की माने तो हनीप्रीत के ड्राइवर और बाबा के प्राइवेट सेक्रेटरी राकेश कुमार ने ये कबूल कर लिया है कि हिंसा में हनीप्रीत ने अहम भूमिका निभाई थी। हनीप्रीत ने ही हिंसा को लेकर पूरी योजना बनाई थी। दंगा कराने के लिए उससे पहले बोतलों का इंतजाम करना, पेट्रोल बम बनाना, इन सब का जो नॉलेज हनीप्रीत को थी, क्योंकि हनीप्रीत उसी डेरे के अंदर उसी गुफा में रहती थी जहां पे गुरमीत रामलीम रहता था और उन्हीं के सामने ये सब मीटिंगें हुई। ये सब पुलिस हनीप्रीत के मुंह से उगलवाना चाहती है, लेकिन हनीप्रीत है कि पुलिस को घुमाई जा रही है। पुलिस जब भी हनीप्रीत से सवाल करती है उसकी गर्दन तो हिलती है, जुबान नहीं हिलती। पिछली रात भी पुलिस ने ड्राइवर राकेश और हनीप्रीत को आमने सामने बिठाकर 400 सवाल पूछे, जिसमें से हनीप्रीत ने सिर्फ 85 सवालों के गोलमोल जवाब दिए। जब मिसलीड करने के बाद हमारे को कई चीजों के बारे में गलत बताया, हम उसको लेकर फिजिकली लोकेशंस पे गए जहां पर कुछ चीजें उसने बताई थी। जब वहां पहुंचे तो पता चला कि वहां पे उसने हमें ये गलत बताया हुआ था। अब पुलिस के पास चंद घंटे बचे हैं। 6 दिन की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। अगर इन चंद घंटों में हनीप्रीत सच नहीं उगलती तो पुलिस कोर्ट से नार्को टेस्ट की परमिशन भी मांग सकती है, क्योंकि अब पुलिस ने भी ठान लिया है कि वो पाप के डेरे का सच तो हनीप्रीत के जुबान से ही सुनकर रहेगी। पंचकुला से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। एक डायरी है, सीक्रेट डायरी जिसे कहा जा रहा है, और 19 साल पुरानी ये डायरी है। अब इस डायरी से क्या कुछ राज खुलेंगे, क्योंकि डेरे के तमाम पुराने राज बताया जा रहा है इसी डायरी में दफन है, और इसके बारे में हनीप्रीत ने बताया। आपने हनीप्रीत को देखा है? वो हनीप्रीत ऐसी नहीं है, सारा ट्रैवल होते दिखा। मैं उसमें कहाँ प्रेजेंट थी दंगे फसाने, मैं कहाँ गुनेगार हूँ? जिसने कभी कीड़ी भी ना मारी उसके ऊपर देशद्रोही का क्या, वो संभलना मेरे लिए बहुत मुश्किल से। कल तक पुलिस पर रौब झाड़ने वाली हनीप्रीत, कल तक पुलिस के सवालों के टेढ़े मेढ़े जवाब देने वाली हनीप्रीत, कल तक हवालात में हेकड़ी दिखाने वाली हनीप्रीत की हिम्मत अब जवाब देने लगी है। 6 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने से पहले ही हनीप्रीत टूटने लगी है। धीरे धीरे वो अपने सीने में दबाए राज उगलने लगी है। वो राज जो बाबा के माया लोक से जुड़े हैं, वो राज जो राम रहीम की काली कमाई का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देंगे, वो राज जो राम रहीम और हनीप्रीत की 25 अगस्त को हिंसा भड़काने वाली साजिश का पर्दाफाश कर देंगे। पुलिस को हाथ लगी बड़ी कामयाबी, हनीप्रीत ने खोला सीक्रेट डायरी का राज। 19 साल पुरानी हनीप्रीत की सीक्रेट डायरी, हनीप्रीत की डायरी से होंगे सनसनीखेज खुलासे। पहले तो हनीप्रीत पुलिस से जरा भी खौफ नहीं खा रही थी, उसे लग रहा था कि वो अपनी खोखली दलीलों से पुलिसिया तफ्तीश की दिशा मोड़ देगी, लेकिन रिमांड के 4 दिन गुजरने से पहले ही उसकी अक्ल ठिकाने आ गई। हनीप्रीत बोल पड़ी, बोली भी तो उस डायरी के बारे में जिसमें डेरा का बही खाता लिखा है, पैसों के लेन देन का हिसाब लिखा है, जिसमें बड़े बड़े नेताओं से मीटिंग का ब्यौरा लिखा है। हनीप्रीत से पूछताछ कर रही एसआईटी की टीम ने जैसे ही हनीप्रीत के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया, वैसे ही हनीप्रीत धीरे धीरे टूटने लगी है। 4 दिनों की पूछताछ के दौरान हनीप्रीत ने अब पुलिस को बताया है कि उसके पास एक ऐसी डायरी है जिसमें डेरा से जुड़े हुए कई राज दफन है। हनीप्रीत ने पुलिस को यह भी बताया है कि यह डायरी उसने डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय में कहीं छिपा कर रखी हुई है। हनीप्रीत ने अपनी ये सीक्रेट डायरी सिरसा के डेरे में कहीं छिपा रखी है। हनीप्रीत ने यह डायरी 25 अगस्त को तब छिपाई जब वो डेरा गई थी।
सूत्रों की माने तो इस डायरी में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के काले धन की जानकारी है। डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में 17 अगस्त को हुई मीटिंग का ब्यौरा है, जिस मीटिंग में 25 अगस्त को पंचकुला में हुई हिंसा का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, तो कई बड़े लोगों के फोन नंबर, रुपयों के लेन देन की डिटेल और नेताओं से मीटिंग और फंड की जानकारी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस डायरी में न केवल लेन देन की जानकारी है, बल्कि इस डायरी में डेरा सच्चा सौदा से संबंधित जितनी बैठकें हुई हैं उसकी भी जानकारी है। मीटिंग्स के मिनट उस डायरी में दर्ज हैं। पुलिस खास करके 17 अगस्त की उस मीटिंग के बारे में जानना चाहती है जो डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय सिरसा में आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि इसी मीटिंग में 25 अगस्त को पंचकुला में जो हिंसक वारदात हुई थी उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। पुलिस अब इस डायरी को हासिल करके उन जो राज डेरा से जुड़े हुए हैं, जो अभी तक दफन है, उनको बाहर निकालना चाहती है। हनीप्रीत की सीक्रेट डायरी खुलेगी, पन्ने पलटे जाएंगे तो बड़े बड़े राज बाहर आएंगे, कई सफेद पोश बेनकाब होंगे, राम रहीम की हकीकत पर सबूत की मुहर लगेगी। लिहाजा पुलिस सिर्फ डायरी ही नहीं बल्कि हनीप्रीत का मोबाइल बरामद करने में भी जुटी है, ताकि बाकी सारी चीजों के साथ साथ ये भी पता लगाया जा सके कि हनीप्रीत ने 25 से 30 अगस्त के बीच डेरे से करोड़ों रुपए निकाले तो उसे छिपाए कहां, इसमें उसकी मदद किस किसने की और वो इतने दिन अंडरग्राउंड कैसे रही। पंचकुला से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। तो कितने राज देखिए सीक्रेट डायरी से निकलते हैं उस पर रहेगी नजर, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है हनीप्रीत की नजर राम रहीम पर ही है, वो हर हाल में राम रहीम से मिलना चाहती है। मेरा और मेरे पापा का रिश्ता बिल्कुल बाप बेटी पाक रिश्ता है। तो मेरे पापा के कमरे के साथ जैसे ऐसे हुआ, वो दरवाजा पता नहीं, वो दरवाजा खुल गया और दरवाजा खुला तो अंदर सारा सब कुछ चल रहा था, वो न्यूड थे, सेक्स कर रहे थे। थी बार बार हनीप्रीत के पास पापा जाते, गले लगा लेते। आप मुझे ये बताइए कि कौन सा बाप इस दुनिया में ऐसा है इस कदर उसको हक करता है, इस कदर उसको किस करता है। हनीप्रीत और राम रहीम को बिछड़े हुए 45 दिन हुए हैं और हनीप्रीत को पापा की याद सताने लगी है। हनीप्रीत ने पुलिस अफसरों से कहा है कि उसे बाबा से मिलने की इजाजत दे दी जाए। पापा जी की कमर में दर्द रहता है, वो इस दर्द से परेशान होंगे, इसलिए मेरा वहाँ होना जरूरी है। ऐसे में हनीप्रीत से थाने में उसका चेकअप करने वाली लेडी डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम डॉक्टर हो या फिर कोई डॉक्टर की डिग्री ली हुई है जो बाबा के दर्द होने पर वहाँ जाने की बात कर रही हो। पहले खबर आई थी कि जेल में राम रहीम रातों को हनीप्रीत को याद करता है और अब हनीप्रीत भी बाबा के पास जाने के लिए बेताब है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब बहाने बनाकर हनीप्रीत और बाबा कुछ राज साझा करना चाहते हैं। राम रहीम और हनीप्रीत पर ताजा खुलासा ये भी हुआ है कि बिजनेस का बाबा बनने के लिए राम रहीम ने बड़े हथकंडे आजमाए। अपनी ही फिल्म में काम करने के लिए बाबा ने 6.5 करोड़ रुपए फीस ली, जबकि हनीप्रीत को हीरोइन बनने के 60 लाख रुपए दिए। इतना ही नहीं, राम रहीम ने 3 दर्जन से ज्यादा कंपनियां बना रखी थी। बाबा ने अनुयायियों से मिलने वाले चंदे को खपाने के लिए इन शैल कंपनियों का निर्माण किया था। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। अभी तक तो उत्तर भारत में ही हम सुन रहे थे चोटी कटवा है, रात के अंधेरे में चोटी काट देता है। यही चोटी कटवा की दहशत, उसका शोर अब घाटी में भी सुनाई दे रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में यह सन्नाटा किसी आतंकी हमले के बाद का नहीं है और ना ही सेना या पुलिस ने यहाँ कर्फ्यू लगाया है, बल्कि यहाँ बंद का ऐलान हुआ है चोटी कटवा की दहशत के चलते। यूं तो कश्मीर में बंद अलग अलग मामलों को लेकर होते हैं, लेकिन अब की बार आज का जो बंद है वो कश्मीर में पिछले कई दिनों के दौरान जो चोटी काटने के मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर ये बंद का आह्वान दिया गया है, क्योंकि 70 से भी ज़्यादा मामले पिछले एक महीने के भीतर कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से चोटी काटने के सामने आए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की हैं। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार के बाद अब चोटियां कश्मीर में भी कट रही हैं, लेकिन इन चोटियों पर कश्मीर में कोहराम मच गया है। आतंकी संगठन चोटी के पीछे हिंदुस्तानी एजेंसियों की चाल बता रहे हैं। ये जो प्रोपोगंडा है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी फौज और इनकी एजेंसियों का करना है।
इस सब का असल मकसद ये है कि मुजाहिदीन को पसो पुष्ट ये कैसे करें, जबकि आप लोगों ने खुद अपनी आंखों से वो मंजर देखे कि कैसे इंडियन फौज इन बाल काटने वालों को प्रोटेक्शन देकर अपने साथ ले जाते हैं। तो सोमवार को हुर्रियत ने चोटी कटवा के चलते कश्मीर में बंद का ऐलान कर दिया। कश्मीर में अभी तक 70 से ज्यादा चोटियां कट चुकी हैं। पुलिस ने चोटी चोर को पकड़ने के लिए 6 लाख का इनाम भी रखा है, लेकिन चोटी चोर अभी तक नहीं मिला। अशरफानी, श्रीनगर, आज तक। इधर चोटी कटवा की वजह से आफत, उधर सलमान खान पर आफत। FIR दर्ज हो गई है उनके खिलाफ, और ये FIR किसी और ने नहीं बल्कि जुबेर, वही शख्स जो बिग बॉस में प्रतियोगी था, जिसने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि मेरे साथ सलमान खान ने गलत व्यवहार किया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उस पे अब लोनावला थाना में मुकदमा FIR दर्ज हो गई। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन सबसे तेज और दिलचस्प वीडियोस के लिए न्यूज तक का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर जाइए, न्यूज तक चैनल खोजिए और फौरन सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी वीडियो आपकी नजर से नहीं बचेगा। देखते रहिए आज तक।